Hello my dear students. This is the video for first chapter Truths in the Forest of Sixth Class. Reading from the first line, this line will tell you something about this chapter first. The following is a true story that happened when the writer Fritz Winken was a child. स्टूडेंट्स ये एक रियल स्टोरी है ये तब की स्टोरी है ये सब कुछ तब हुआ था जब राइटर फ्रिज्स वन जब जो राइटर इस स्टोरी का है फ्रिज विंकन वाज अ चाइल्ड वो एक बच्चा था लिविंग इन अ वॉट ऑन जर्मनी इन 1944 फोर और वो वॉट ऑन जर्मनी 1944 फ़ोर में रहता था 1944 में जो वर्ल्ड वॉर हुआ था जर्मन और अमेरिका के बीच में उसकी ये स्टोरी है जो राइटर फ्रिड स्विंकन है वो बच्चा था वाई दे हैव यूज द वर्ड वॉट ऑन ऑन वर्ड इज यूज फॉर अ प्लेस इज डैमेज बैडली ड्यूरिंग द वॉर 1944 के वॉर में जर्मनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और बहुत ज्यादा डैमेज हुई थी जर्मनी रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ वैन वी हर्ड द नॉक ऑन द ऑन आर डोर डैट क्रिसमस ईव इन नाइनटीन फोटी फोर नाइनटीन फोर्टी फोर में जब हमने अपने घर के बाहर अपने घर के दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ सुनी क्रिसमस इवनिंग वाले दिन नाइदर मदर नॉर आई हैड द स्लाइटेस्ट इंकलिंग ऑफ द क्वाइट मेरेकल दैट ले इन दोर फॉर अस ना ही तो मेरी मदर के पास और ना ही मेरे पास कोई भी ऐसी जादुई चीज़ नहीं थी जो हमें शांति दे सके बिकॉज आउटसाइड द डोर वॉर चल रहा था कॉन्टीन्यूस वॉर चल रहा था बहुत भयानक तो कोई भी ऐसी जादुई चीज़ हमारे स्टोर में नहीं थी जो हमें पीस दे सके शांति दे सके आई वॉज ट्वेल्व देन मैं तब ट्वेल्व ईयर्स का था एंड वी वर लिविंग इन अ स्मॉल कॉटेज इन द हट गैन फॉरेस्ट हम हट कैन फॉरेस्ट के एक छोटे से कॉटेज में रह रहे थे नियर द जर्मन बेल्जियन बॉर्डर जो कि जर्मन बेल्जियन बॉर्डर के पास है वैन अलाइड बॉम्बर्स पार्टली डिस्ट्रॉयड आर होम टाउन ऑफ अकेन फादर सेंट अस टू लिव देयर जब अलाइड बॉम्बर्स ने हमारे होम टाउन को अकेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था उसको पार्टली डिस्ट्रॉय मतलब डिवाइड कर दिया था दो हिस्सों में हमारे फादर ने हमें यहाँ पर भेजा था अलाइड बॉम्बर्स द वर्ड अलाइड इज़ यूज फॉर द पीपल हु वर्क फॉर मनी अलाइड इज़ यूज फॉर द अमेरिकन बॉम्बर्स हियर हु वर द हु वर अगेंस्ट द जर्मनी ही हैड बीन ऑर्डर इन टू द सिविल डिफेंस फायर गार्ड इन द बॉर्डर टाउन ऑफ मोनशाउ फोर माइल्स अवे मेरे फादर को ऑर्डर मिला था सिविल डिफेंस फायर गार्ड का जो ड्यूटी उन्हें मौनचाऊ टाउन के बॉर्डर पर देनी थी जो कि वहाँ से फोर माइल्स अवे था यूल बी सेफ इन द वुड्स ही हैड टोल्ड मी मेरे फादर ने मुझे कहा कि तुम फॉरेस्ट में वुड्स मतलब फॉरेस्ट में सेफ रहोगे टेक केयर ऑफ मदर अपनी मदर का ध्यान रखना नाउ यू आर द मैन ऑफ द फैमिली अब तुम फैमिली के मैन हो बट नाइन डेज बिफोर क्रिसमस क्रिसमस के नाइन डेज पहले फील्ड मार्शल वॉन रनस्टेड हैड लॉन्च द लास्ट डेस्परेट जर्मन ऑफेंसिव ऑफ द वॉर फील्ड मार्शल वन रनस्ट ने वॉर का लास्ट अटैक करना घोषित किया एंड नाउ और अब एज आई वेंट टू द डोर अब जब मैं दरवाजे के पास गया स्टार्टिंग में उसने बोला था वैन वी हर्ड द नॉक ऑन द डोर उन्होंने दरवाजे पर नॉकिंग की आवाज़ सुनी थी और अब जो राइटर है वो बोल रहा है कि जब मैं दरवाजे के पास गया द बैटल ऑफ बल्ब वॉज रेचिंग ऑल अराउंड अस कॉन्टीन्यूस वॉर चल रहा था बाहर घर के बाहर बल्ज मीन्स कुछ उभरे हुए वॉल्स की तरह होते हैं जो सेफ्टी वॉल्स कह सकते हैं ताकि जो हमारी फील्ड गन्स के फायर्स है या फिर बॉम्ब्स वगैरह है वो डायरेक्टली अटैक ना कर सके। वी हर्ड द इंसेसेंट बूमिंग ऑफ फील्ड गन्स हमें फील्ड गन्स की कॉन्टीन्यूस फायरिंग जो कि बहुत इरीटेटिंग थी सुनाई दी प्लेन्स सोड कॉन्टीन्यूसली ओवर हेड हमारे सर के ऊपर से कॉन्टीन्यूसली प्लेन फ्लाई कर रहे थे एट नाइट सर्चिंग लाइट्स स्टैब्ड थ्रू द डार्कनेस अंधेरे से सर्चिंग लाइट से चमक रही थी थाउजेंड्स ऑफ अलाइड एंड जर्मन सोल्जर्स फॉर फाइटिंग एंड डाइंग नियर बाई हजारों जर्मन एंड अमेरिकन सोल्जर्स लड़ रहे थे और मारे जा रहे थे when that first knock came जब घर के बाहर पहली आवाज आई mother quickly blew out the candles mother ने जल्दी से कैंडल्स को बुझाया then as i went to answer it जबकि मैं इसको आंसर करने जाता she stepped ahead of me वो जल्दी-जल्दी गई and pushed the open door और दरवाजे को बंद करने लगी outside like a phantom against the snow clad tree snow clad tree मतलब बर्फ से ढके हुए ट्री उनके पास फैंटम्स थे स्टूड टू स्टील हेलमेटेड मैन दो स्टील के हेलमेट पहने हुए आदमी खड़े हुए थे जो के घोस्ट की तरह लग रहे थे स्टूडेंट्स दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी दिस पेज सॉरी नाउ द रेस्ट ऑफ पार्ट वी विल रीड इन आर नेक्स्ट वीडियो सो आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम स्टे होम स्टे सेफ है वंडरफुल डे